Hello everyone, welcome to channel. So today I'm going to start with the triangles. I'll be covering important topics of triangle. जो like अगर triangle से exam में तुम्हारा question आएगा तो बहुत ज़्यादा high chances है that question will be from these concepts, from these formulas. And I expect from you guys, मैंने notes share किए थे, you guys have gone through the notes. So I'll be explaining through the notes. I have taken the screenshots of that and I'll be using that to explain the concepts. And one more thing, I want this video to reach maximum audience because this is gonna be a best content for triangle. So for that, you guys just need to like this session and subscribe, and also let me know in the comment section feedback of this session. Okay, now let's get started. So this is the first concept that I want to remember you guys, sine and cosine rule. I expect like tum bahut logo yaad hoga, but keep revising this thing and keep this thing like geometry mein problem kya hota hai, geometry algebra mein. We know the like formulas, we know the concept, but we are not able to recall in the examination. So repeated like revision and practice will help you to recall. Like whenever in the a triangle side is given, angle is involved, you just need to think of sine and cosine rule. But high chances hai ki sine aur cosine ka application hoga wahan par, theek hai? So this is a side, this is I'm just explaining ki ye kaise likha hua hai. I expect ki sab logo ko pata hoga, but I'm quick doing this quick revision जिससे थोड़ा भी कंफ्यूजन हो क्लैरिटी आ जाए. तो लाइक जैसे ट्रायंगल दिया हो, है ना, ये तुम्हारे एंगल्स दिए हैं ए, दिस इज द ए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल साइड एंड आर इज योर सर्कम रेडियस. सर्कम रेडियस, दिस इज सर्कम सर्किल एंड दिस इज योर सर्कम रेडियस, ठीक है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइड एंगल एंड अ सर्कम रेडियस. सो सपोज यू नो दिस एंगल, यू नो दिस एंगल, यू नो दिस साइड, यू कैन फाइंड द सर्कम रेडियस, यू कैन फाइंड द सर्कम रेडियस. ये बात समझ में आ रही, ये तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए एग्जाम में. होता क्या कि अगर मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन दे दूं और साइन रूल ना बताऊं, यू विल टेक टाइम टू थिंक कि यार इससे मैं कैसे निकाल सकता हूं, हाउ आई कैन फिगर आउट सर्कम रेडियस, ठीक है. तो ये तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए, इफ यू नो दीज टू थिंग्स यू कैन फाइंड द सर्कम रेडियस. देन द कोसाइन रूल, इस पर भी क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछे गए हैं. अब कोसाइन रूल में क्या होता है कि लाइक सपोज तुम्हें एक साइड निकालनी हो, वन एंगल इज गिवन, टू साइड्स आर गिवन, थर्ड साइड यू नीड टू फाइंड, यू कैन यूज द कोसाइन रूल. कोसाइन रूल जनरली तुम्हें ऐसे पढ़ा होगा, सपोज मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखता हूँ, ये वाला लिखता हूँ, तो जनरली तुम्हें बुक में ऐसे मिलता होगा, डैट्स ऑल्सो फाइन, कैसे भी इसको लिख लूँ, मुझे बुक में ये मिल गया, लाइक जिसका मैं स्क्रीन शॉट ऐसा नहीं चले सकता था, डैट इज जस्ट पेस्टेड एयर एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द कॉस फॉर्म. बट अगर तुमने ऐसे याद किया, डैट्स ग्रेट, डैट इज ऑल्सो नॉट प्रॉब्लम. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ठीक है. तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर बुक में मिल जाएगा तुम्हें एक्सप्लेनेशन इसका, इजिली से समझ लेना. बस कौन तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्यों याद रखा है, डैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन आएगा, यू आर एबल टू रिकॉल दिस फॉर्मूला. सो आई होप दिस थिंग, टू थिंग्स आर क्लियर. देन कम द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू कैन सी हियर लॉट ऑफ फॉर्मूलास, हियर देयर आर द सेवन फॉर्मूलास. एग्जाम में हम कोई ना कोई फॉर्मूला, लाइक सपोज ये वाला फॉर्मूला जनरली हमें याद नहीं रहता, मैं रिकॉल नहीं होता, ये वाला फॉर्मूला मे बी न्यू फॉर यू, सेवन फॉर्मूला. एंड इससे पहले तुमने सारे फॉर्मूलास देखे होंगे, हाफ बेस इनटू हाइट एवरीवन नोस, हीरोज फॉर्मूला एवरीवन नोस, एरिया फॉर्मूला. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन अ बिट, ये कॉर्डिनेट्स के फॉर्म में है ना, तुम्हारे अगर तीनों कॉर्डिनेट्स दिए हुए हैं तुम्हारे, देन तुम कैसे फाइंड करोगे. सो देर आर अदर वेज, बट आई एम वॉन्ट टेल यू वेरी सिंपल वे. सो रिमेंबर दिस मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, मैट्रिक डिटरमिनेंट, वॉट एवर इट इज, रिमेंबर दिस थिंग. एंड ऑल्सो इफ यू सी द नोट्स, आई एम गिविंग यू दिस इज होमवर्क, आई विल नॉट टेल हेयर, तुम्हें नोट्स में देखना है, क्वाड्रिलेटरल का भी मैंने इसी टर्म में लिख रखा है, सो यू हैव टू चेक डैट फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है. क्वाड्रिलेटरल्स का नोट्स में लिखा हुआ है, वो तुम्हें रिवाइज पक्के से करना है. सो अगर तुम अब उसमें पैटर्न भी देखना है कि अगर तुम ट्रायंगल का याद कर लोगे, क्वाड्रिलेटरल का तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा. याद कैसे करोगे, एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री, सिंपल है, वाई वन वाई टू वाई टू वाई थ्री. क्वाड्रिलेटरल का भी मैं तुम्हें बता दूं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, हो गया. तो दिस वे रिमेंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन. आई होप ये सबको याद हो गया होगा. अब लाइक तुम्हें बुक में हर तरीके से मिल जाएगा, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा, बट आई फिगर आउट दिस इज द इजिएस्ट वे टू रिमेंबर. ऐसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है. मैं फिर से लिख रहा हूँ, एक्स वन एक्स टू, ताकि तुम्हें पैटर्न याद हो जाए, एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई टू वाई थ्री, ठीक है. एग्जाम में माइंड में लाइक थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे लिखेंगे, क्योंकि लोग ये गलत कर देते हैं कभी कभी, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आई होप यू रिमेंबर दिस पैटर्न. फोर्थ वन, फोर्थ वन भी हमें रिकॉल नहीं होता है जल्दी, क्योंकि हमने बहुत जितना फ्रिक्वेंटली से अभी तक यूज़ नहीं किया होता है. तो जब ये दो साइड दी हूँ, ये दो साइड दी हूँ और इंक्लूडेड एंगल दिया हो,
देन दिस फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, है ना। तो लाइक यहाँ पर ये सी है, ठीक है, सी एंगल दिया हुआ है और ये साइड दी हुई है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ए बी इंक्लूडेड एंगल, दिस इज द एरिया। यहाँ पर कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं ना, कोसाइन रूल से ये निकल आएगा। देन यू इफ यू वॉन्ट यू कैन अप्लाई द लाइक हीरोज फॉर्मूला, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द एरिया, बट बेस्ट वे इज द यूजिंग दिस फॉर्मूला हाफ ए बी इंक्लूडेड एंगल साइन। देन डेल आर एस, आई होप एवरी वन नोज दिस, सेमी पेरीमीटर आर इक्वल टू डेल अपॉन एस, ऐसे करके तुमने याद ही होगा। सेमी पेरीमीटर इन रेडियस और एरिया ऑफ ट्रायंगल में रिलेशन, ए बी सी अपॉन फोर डेल फोर आर, आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन फोर डेल। सो रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड्स एंड सर्कम रेडियस, एंड इन द लास्ट यू हैव सीन द रिलेशन बिटवीन सर्कम रेडियस एंड एंगल एंड साइन ऑफ एंगल एंड योर साइड, ठीक है। सो ये याद कर लेना, ये सिक्स्थ याद होना चाहिए। देखो फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला हम भूल जाते हैं यूज करना, हमें फॉर्मूला पता है, वी नो द फॉर्मूला, बट जब हम डायग्राम देखते हैं ना या फिर क्वेश्चन जब तुम्हारे लैंग्वेज में लिखा होता है, वी विल नॉट एबल टू फिगर आउट एट दैट टाइम। तो तुम्हें अपना वो चीज़ बढ़ाना होगा, रिकॉल वैल्यू, वो तभी बढ़ेगा जब मल्टीपल टाइम चीज़ को बार बार देखोगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। देन कम्स द सेवंथ वन, डेल इक्वल टू आर आर प्लस टू आर, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है व्हेन यू हैव इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, आर इज इन रेडियस, स्मॉल आर इज इन रेडियस एंड कैपिटल आर इज सर्कम रेडियस, ठीक है। सो रिमेंबर दिस सेवन फॉर्मुलाज रिलेटेड टू एरिया। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, सो जस्ट आई हैव पुट इट हियर। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, आई थिंक दिस टू कॉन्सेप्ट आर यूज, कोशाइन यूज किया गया है एंड मेंसुरेशन में वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, एंड तुम्हारा देन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज किया गया, टू थिंग्स हैज बीन यूज्ड इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी इन सेंटर, तो इन सेंटर तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से बनता है, ये तुम्हें पता होगा। आई हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम माय हैंड रिटन नोट्स इटसेल्फ एंड आई एम लाइक प्रीटी श्योर बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं होगी कि यहाँ पर क्या लिखा है, खुद भी लिख रखा है ना ऐसे। सो आई बी एक्सप्लेनिंग दीज ऑल एंड दीज आर इंपॉर्टेंट, एनी ऑफ दीज मे कम दिस ईयर इन द एग्जाम। सो लेट्स सी फर्स्ट लेट्स सी द दिस फॉर्मूला। सो दिस इज दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, तुम्हें पता है एंगल के बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है that is called the in-center, this is the in-center of this given triangle, right? And these are the coordinates of x1, y1 of this, x2, y2 this, and x3, y3 this. So now, to remember these coordinates will be easier, let me just explain. A, x1, opposite, uske respective angle se multiply karke ye term banta hai. Similarly, B, x2, C, x3 divided by A plus B plus C. Similarly, this has been written. Now I hope you can recall this thing, you can remember this. This is the way you can remember this easily. So I hope this is clear. ये पहला वाला जो formula है ये clear हो गया तुम्हें, coordinates कैसे निकालने हैं। अब तुम्हें एक चीज़ पता ही होगी, ये पता होगा, I hope ये तुम्हें पता होगा। These two things you may not be aware of, तो ये दो भी तुम्हें पता होनी चाहिए, let me just explain. तो like suppose ये triangle है तुम्हारा, इसी में देख लेते हैं। अब देखो मैं कैसे याद करता हूँ, ये रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू दिस, ये तीन रेशियो आपस में इक्वल होंगे, मैंने ऐसे याद किया है। एंड फोर्थ थिंग दिस अपॉन दिस, अब देखो क्या है इसका मतलब क्या, जो मैंने लाइन खींच दी तुम्हें मैं बताता हूँ याद कैसे करते हैं। तो दिस इज लाइक ए बी अपॉन बी डी, है ना, जब एंगल बाय सेक्टर होता है तो ए बी अपॉन बी डी, डी इज दिस पॉइंट, ठीक है, डी इज दिस पॉइंट इक्वल टू, तुम्हें पता होगा ए सी अपॉन सी डी, ठीक है, इक्वल्स टू एक ये जो इन सेंटर होता है इसके रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है, और जो तुम्हारा मीडियन में क्या होता है टू इज टू वन होता है, ठीक है, यहाँ पर इस रेशियो में होता है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला याद रखो, अब थर्ड को मैं हटा रहा हूँ जरा, ये वाला मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या है, बी प्लस सी अपॉन ए। सो रेशियो तुम्हें पता होगा, रेशियो में अगर हम ऐड कर दें कोई प्रॉब्लम है इन दोनों को, रेशियो में ऐसे ऐड कर देते थे, रेशियो में ऐसे ऐड कर देते हैं। सो नाउ दिस इज बी सी एंड दिस इज, ये देखो बी डी एंड डी सी इक्वल टू ए, तो दिस रेशियो हैज कम। सो रिमेंबर दीज टू, बाकी ये दोनों तो तुम्हें पता होंगे, ये दो एक्स्ट्रा अगर नहीं पता है तो मेक श्योर यू रिमेंबर देम। इसको स्किप करते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एंगल को रिपीट करता हूँ, मैं एंगल को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ये एंगल मैं एंगल बाइसेक्टर में तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें उसमें नोट्स में दिया होगा, ये वाला भी देख लेना, ऑर्थो सेंटर का रिलेशन, और इसमें ये तुम्हें चेक करना है, ठीक है। इसमें ये ऑर्थो सेंटर है ना, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ऑर्थो सेंटर बनता है, और इसमें रिलेशन तुम्हें देखना है, ठीक है। ये नोट्स में लिखा है, जस्ट चेक दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एंगल्स दोनों में तुम्हें पता होना चाहिए। फिर सर्कम रेडियस में क्या होता है, उसका ट्वाइस होता है,
यू नो मस्ट नो दीज रिलेशंस, ठीक है, तीनों के एंगल तुम्हें रिलेशन पता होने चाहिए क्या है. इसमें क्या होता है 90 प्लस ए बाई टू, ठीक है. अच्छा ये तो सबको पता होता है, ये वाला जरा देख लो, ये तो इंटरनल है. अब हो सकता है कि ये तुम्हारा जो ट्रायंगल है इसको मैं एक्सटेंड कर दूं और इसके एक्सटर्नल एंगल से जो इनका बाइसेक्टर यहाँ पर ऐसे मिलाऊं, तो ये जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस ए बाई. प्रूफ वगैरह मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इट इज नॉट टाइम टू लाइक एक्सप्लेन यू प्रूफ एंड ऑल द थिंग, जस्ट कीप रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. तो एंगल समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया और ये रेशियो समझ में आ गया. एक और फॉर्मूला ये वाला, दिस इज रिलेशन बिटवीन योर एंगल बाइसेक्टर एंड साइड्स, एंगल बाइसेक्टर एंड साइड्स. सो एंगल बाइसेक्टर इज ए डी, ए डी स्क्वायर इसका प्रोडक्ट एंड डिफरेंस इसका प्रोडक्ट. मैंने ऐसे याद किया है, तुम्हें जैसे भी याद कर, देखो मैं ऐसे नहीं याद कर सकता करता हूँ ए डी स्क्वायर ए बी इंटू ए सी, आई जस्ट लाइक ड्रॉ लाइन्स ऑन द ट्रायंगल. मैं पैटर्न से करके याद करता हूँ, मुझे याद बहुत रेयरली होता है, तो दिस इज द वे आई हैव फिगर आउट, ठीक है. तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मॉक में डेफिनेटली आया होगा. अगर तुमने किसी भी लाइक टेस्ट सीरीज के सारे मॉक दिए होंगे तो किसी ना किसी एक टेस्ट में डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन रहा होगा. अब ये वाला देख लेते हैं लास्ट पार्ट. अच्छा ये इस ट्रायंगल के लिए, ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिखी हुई ये जो चीज़ है, दिस इज नॉट दिस एक्स, ठीक है. दिस इज योर इन रेडियस एंड दिस इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल. सो रिलेशन इज आर इक्वल टू, एक तो है कि लाइक ए प्लस बी माइनस एच बाई टू, वेर एच इज योर हाइपोटेनस. दूसरा है आर इक्वल टू एस माइनस एच, ठीक है. ये दो रिलेशन होते हैं, याद कर सकते हो. आई थिंक मैंने क्वेश्चन भी तुम्हें इस पे कराया होगा ट्रायंगल में, बट मैंने वहां पर ये यूज नहीं किया था. यू कैन सॉल्व क्वेश्चन विदाउट यूजिंग दिस. एस क्या है तुम्हारा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. दिस इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज फॉर राइट एंगल. दिस इज योर हाइपोटेनस, दिस इज योर लेंथ एंड ब्रेथ लाइक बेस एंड हाइट, दिस इज योर पेरीमीटर, दिस इज योर हाइपोटेनस. अगर इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो इससे ये आ जाएगा, ठीक है. आर इक्वल टू एस माइनस एच, ये याद कर सकते हो. इसमें जब एस की वैल्यू पुट कर दोगे यू विल गेट दिस रिलेशन, ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट इन सेंटर एंड एंगल बाइसेक्टर्स. सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. एंड तुम्हें अगर याद हो ट्रायंगल मैंने बोला था तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ रिलेशन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है याद करना. सो दीज आर द रिलेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो अगर ये रिलेशन याद कर लोगे तुम्हें आगे से इसमें सिमिलैरिटी नहीं लगाना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू क्वेश्चन सॉल्व फास्टर विदाउट एनी एरर, ठीक है. तो और ये इफेक्टिवली देखो तो ये चार नहीं है, एक ही दो रिलेशन है, तुम्हें ऑलरेडी पता है, जस्ट यू हैव टू सी लाइक कैसे ये आते हैं, ठीक है. तो मैं पहला वाला तुम्हें बताता हूँ. पहला वाला सिंपल है, जैसे इसका लेंथ ऑफ बी डी निकालना है, तो आई व्हाट आई हैव रिमेंबर प्रोडक्ट ऑफ दिस अपॉन दिस विल गिव मी द लेंथ ऑफ बी डी. बी डी इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, ठीक है. तो पहला हो गया. दूसरा देखो क्या है, सेकेंड वन आई होप तुम सबको वो पता होगा लाइक क्या बोलते हो उसे, वो जो थ्योरम होती है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंशियल थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम, वॉट एवर इट इज, आई होप यू नो. सो दिस इज योर सर्कल सपोज, एंड दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ए. सो यू नो टेंजेंट थ्योरम जो होती है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी ए. सो दिस इज द योर थ्योरम, ठीक है. तो अब ये याद हो जाएगा. अब अगर ये याद हुआ, सेम चीज को रिप्लीकेट कर देना है इधर इस साइड पर और इधर साइड पर, ठीक है. दिस यू विल गेट, तो लाइक दिस इज, अब देखो ये अलग इधर से निकालना तुम्हें, ये ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटू दिस, टेंजेंट का ही है ना. तो तुम्हें याद कुछ नया नहीं करना है, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग. तो ये दो रिलेशन ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो गए टेंजेंट थ्योरम से. अब तुम्हें आई थिंक कि तुम्हें माइंड में इम्प्रिंट रहेगा अगर तुम्हें पहले से टेंजेंट थ्योरम पता है. और ये वाला मैं तुम्हें बता दिया. लास्ट वन, दिस इज बी डी स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ दिस, बी डी का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइड्स, दीज टू रेशियोज है ना, नॉट रेशियो, दीज टू पार्ट्स. एंड थर्ड वन, ये जो मैंने अभी लास्ट वन जो मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया था, लाइक रिमूव दिट आई थिंक दैट थिंग, सो दैट इज थिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन, आर इक्वल टू एस माइनस बी, एस इज योर दिस थिंग सेमी पेरीमीटर एंड बी इज योर हाइपोटेनस. तो अगर तुम इसको रिप्लेस कर दोगे यू विल गेट ए प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी बाई टू. अगर एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे यू विल गेट दिस थिंग, फाइन. सो मेक श्योर रिमेंबर दिस रेशियो, दिस इज योर होमवर्क एंड लेट मी नो योर आंसर्स. लाइक आंसर जो तुम टाइप करना कमेंट में, तो स्लाइड नंबर एंड आंसर, ठीक है. लाइक अगर इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करोगे तो 7. answer, ठीक है, स्लाइड नंबर और आंसर. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इन द फिगर, गिवन फिगर ए बी इज 30. अच्छा ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कैट में, आई थिंक एक बार बहुत पहले, और चांसेस है रिपीट कर जाए.
इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं. रिमेंबर दिस रिलेशन, वन अपॉन ई एफ इक्वल्स टू, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन लॉग में यूज होता है, ये रिलेशन लॉग में नहीं, वो जो ये वाला एक्सप्रेशन होता है, अगर देखोगे मैंने वीडियो इसका सॉल्यूशन डाल रखा है, इसमें जो रिलेशन होता है ना, इस पे क्वेश्चन तुम्हारा 18 में भी आया है और 19 में भी आया है, दो बार रिपीट किया है, और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यहीं पर डाल रखा है. ठीक है, जब अलजेब्रा करेंगे आई विल शो यू. एंड दिस इज डी सी. रिमेंबर दिस रिलेशन, रिमेंबर दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वॉज द रिलेशन बिटवीन ए एक्स बी वाई इक्वल टू सी जेड. दिस इज द रिलेशन वन अपॉन लाइक दिस इज ए बी, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू वन अपॉन जेड. सो दिस इज द सेम रिलेशन. तो ये तुम्हारा मिक्सचर में भी होता है, बहुत जगह पर होता है, तो जस्ट वाई, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस रिलेशन. ठीक है, तो वो सब छोड़ो, इस पे फोकस करो. दिस इज द थिंग, ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा. नाउ यू कैन सॉल्व दिस इजिली, वन अपॉन थर्टी, वन अपॉन फोर्टी फाइव. एंड दिस इज रिडंडेंट डेटा, दिस इज रिडंडेंट डेटा, थर्टी फोर्टी, थर्टी फोर्टी फाइव एंड दैट इज 75. सो वन अपॉन ई एफ, ई एफ हो जाएगा तुम्हारा 30 इंटू 45 अपॉन 75, 6 फाइव जा 9, 5 जा एंड 3, 3 टू डेट इज 18. सो दिस इज योर होमवर्क. अगेन यूज दिस एंड लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तो वी आर डन, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन. अगर तुमसे सॉल्व नहीं होता, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन द नेक्स्ट सेशन. Make sure you try this question. Again, let me know answer in the comment section using this thing. And these three topics and important topics I will be covering in the next video. तुमने देखा होगा कि बहुत बार मैंने BPT theorem बोला होगा जब triangle के question solve कर रहे होंगे. Maybe बहुत लोगों को doubt रहा हो या नहीं पता हो. I will explain that. इस पर कई बार question आ चुके हैं. We have seen the triangles जो previous year question कर रहे थे. Area ratio की बात करेंगे और area of square inside a triangle. ये तीन concepts की बात हम next में करेंगे. So I hope you guys like this session. Make sure subscribe to the channel, like this session, and make sure it reaches to a large audience. So that's it for today. Let's see you in the next session.